बात है आज से 74 साल पहले की, साल 1948, जब कश्मीर यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया और इसका मोटो रखा गया फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, जिसको हम अरबी में कहेंगे मिन जुलमात इला नूर। जब भी आप इनका लोगो देखेंगे, ये अरबिक वर्स आपको देखने को मिलेगी, जिसका मतलब है अंधेरे से उजाले की तरफ। 45 कॉलेजेस एंड 21 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस इस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है, 107 कोर्सेस ऑफर करती है। और जब भी आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे, आपको ग्रेड A+ बाय NAAC देखने को मिलेगा। NAAC का मतलब है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ग्रेड करती है उनके परफॉर्मेंस के बेस पे। और टॉप 50 पोजीशन इस यूनिवर्सिटी को हासिल है ऑल ओवर इंडिया। यानी देखा जाए तो ओवरऑल इस यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस काफी तगड़ी है। लेकिन क्या वाकई में इस यूनिवर्सिटी ने ऐसे काम किए हैं? क्या स्टूडेंट्स के दिलों में भी इस यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग यही है जो हमें फिजिकल मोड में देखने को मिलती है? आइए समझते हैं आज के इस छोटे से वीडियो में। यूजुअली एक ग्रेजुएशन का कोर्स 3 साल में कंप्लीट होता है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी का ये रिकॉर्ड रहा है कभी इसने 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की, बल्कि मैक्सिमम 4 से 5 साल लेते हैं एक ग्रेजुएशन के कोर्स को कंप्लीट करने में। बात करते हैं 2010, 11, 12, 13, 14 और 15 की, जब कश्मीर यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। कॉलेज के पहले साल को फर्स्ट ईयर, दूसरे को सेकंड ईयर, तीसरे को थर्ड ईयर कहा जाता था। और तब भी यही हाल था, जो ग्रेजुएशन 3 साल में कंप्लीट होनी थी वही ग्रेजुएशन 4 से 5 साल में कंप्लीट हो रही थी। 2015 से इन्होंने अमेरिकन मॉडल यानी सेमेस्टर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया ताकि इनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। जो ग्रेजुएशन ये 4 से 5 साल में कंप्लीट कर रहे हैं वो 3 साल में कंप्लीट हो जाए, इस गरज से इन्होंने सेमेस्टर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। और उसके अगले साल 2016 में CBCS यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और ये दोनों बहुत ही ज्यादा फ्लॉप रहे। दावा किया इन्होंने 6 महीने में एक सेमेस्टर कंप्लीट होगा, यानी साल में 2 एग्जाम्स होंगे और 2 सेमेस्टर्स कंप्लीट होंगे, लेकिन 1 साल में सिर्फ 1 सेमेस्टर कंप्लीट करने लगे। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेल रही CBCS और सेमेस्टर सिस्टम में। अपने फेलियर को छुपाने के लिए ये यूनिवर्सिटी अब एडवांस डेट शीट्स रिलीज कर रही है, यानी जो सेमेस्टर 6 महीने में कंप्लीट होना था उसको ये अब 2 या 2.5 महीनों में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी इनका एक फेलियर है। और स्टूडेंट से पैसा लेके, स्टूडेंट्स के साथ बिजनेस करके ये यूनिवर्सिटी खूब सेमिनार्स कर रही है, खूब पार्टियां कर रही है और अपनी रेटिंग को बढ़ा रही है। अब आप कहेंगे कि ये बिजनेस कैसे कर रही है? हर साल ये यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करती है PG एडमिशन के लिए। और रूल के हिसाब से देखा जाए तो फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद एंट्रेंस टेस्ट के फॉर्म्स आने चाहिए, फी पे होना चाहिए, लेकिन ये यूनिवर्सिटी फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले ही एंट्रेंस फॉर्म्स इशू करती है, ताकि जो बैकलॉग कैंडिडेट्स हैं, जो एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल भी नहीं होते, वो भी फी पे करे और ये सेमिनार्स कर सके, पार्टीज कर सके और उनका रिफंड भी नहीं करते। जो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, बैकलॉग है, उसका फी रिफंड होना चाहिए, लेकिन ये यूनिवर्सिटी वो भी नहीं करती, उसे पार्टियां करती है, सेमिनार्स करती है। और अगर एग्जाम एक्सपेंडिचर की बात करें तो 80 से 100 रुपए का खर्चा आता है इनका एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर में, OMR शीट, आंसर शीट वगैरह। और 900 रुपए ये एक स्टूडेंट से मुनाफा करते हैं और उससे ये पार्टियां करते हैं, सेमिनार्स करते हैं। और कुछ टाइम पहले, 1 महीना पहले इनकी वेबसाइट हैक कर ली गई थी, डाटा हैक किया गया था। तब से 1 महीने से ज्यादा हो गया, इनकी वेबसाइट अभी तक डाउन है। ना आप वहां एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं, ना एग्जामिनेशन फॉर्म्स फिल कर सकते हैं,
न प्रीवियस सेमेस्टर रिजल्ट्स देख सकते हैं। अब आप खुद अंदाजा कर सकते हैं ये यूनिवर्सिटी कितनी अकाउंटेबल है। 2010 से हमने देखा इस यूनिवर्सिटी का ज्यादातर फेलियर ही रहा है, लेकिन एक पुरानी कहावत है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। यहाँ सिर्फ यूनिवर्सिटी का फेलियर नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स की साइड भी फेलियर है। कभी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन रेज नहीं किया कि हमारी ग्रेजुएशन 3 साल में कंप्लीट क्यों नहीं हो रही है, इतना टाइम क्यों लग रहा है। जब भी स्टूडेंट्स ने वॉइस रेज की एग्जाम डेट को एक्सटेंड करने के हवाले से, उनकी वॉइस रेज हुई। कभी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नहीं किया हमारा रिजल्ट टाइम पे डिक्लेयर क्यों नहीं हुआ। सो यहाँ पे सिर्फ यूनिवर्सिटी का फेलियर नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स की साइड से भी फेलियर है। और इस वीडियो के माध्यम से आई होप कि स्टूडेंट्स आज से रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे यूनिवर्सिटी से अगर उनके साथ कोई भी इनजस्टिस होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।